हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। ये आपके SST के ऑप्शनल क्वेश्चन है बेटा, आपको रिवीजन करना है। आपको पता है ना कि आपके ऑप्शनल क्वेश्चन आने वाले हैं, तो देख लीजिए इसे भी। टिक द करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट आंसर सॉरी। पहला दिया है निकिता लिव्स इन ए, कौन सी फैमिली में रहती है निकिता? स्मॉल, ज्वाइंट, लार्ज। तो निकिता ज्वाइंट फैमिली में रहती है। लव एंड केयर ब्रिंग टू द फैमिली, प्यार और एक दूसरे का ख्याल रखना परिवार में क्या लाएगा? हैप्पीनेस, सैडनेस, जेलसी। तो आपका हैप्पीनेस हो जाएगा। थर्ड है ए फैमिली विथ मोर देन मेंबर्स इज कॉल्ड ए लार्ज फैमिली। फोर से ज़्यादा फैमिली होगी तो नॉन ऑफ दिस इसमें होगा। फोर दिया है गोयल इज निकिता नेम, स्कूल नेम, सर नेम। तो सर नेम होगा बेटा। नेक्स्ट दिया है आपका वी कैन गेट रीड ऑफ फिजिकल टायर्डनेस बाई टेकिंग रेस्ट, प्लेइंग द गेम्स, रिक्रिएशन। तो टेकिंग रेस्ट होगा, जो हमारे शारीरिक थकान है वो हमें आराम करना, हम जब रेस्ट करेंगे तो वो ख़त्म हो जाएगी। नेक्स्ट है इट इज़ द फॉर्म ऑफ आउटडोर रिक्रिएशन, तो प्लेइंग चेस, गोइंग ऑन ए पिकनिक, वॉचिंग टीवी। तो गोइंग ऑन ए पिकनिक। नंबर थर्ड है प्रिपरेशन ऑफ विच सेलिब्रेशन इट स्टार्ट मेनी डेज बिफोर, तो इनमें से क्या होगा? वेडिंग, बर्थडे, फेस्टिवल। तो वेडिंग। नंबर फोर है द मेंबर्स ऑफ फैमिली गो आउट टुगेदर फॉर, तो मूवीज़, पिकनिक्स, बोथ ऑफ दिस। तो दोनों पे जा सकते हैं पूरी फैमिली के साथ। दिया है वी मस्ट आवर टीचर्स ओबे, अवॉइड, मेक ऑफ फन, ओबे। नेक्स्ट है द मॉर्निंग असेंबली हेल्ड इन द क्लास, लाइब्रेरी, हॉल होगा बेटा, हॉल में हो सकती है। नंबर थर्ड है वी रीड बुक्स इन द लाइब्रेरी, लेबोरेटरी, किचन। तो लाइब्रेरी में हम पढ़ेंगे। नंबर फोर है प्लेइंग गेम्स इज फॉर अस गुड, बैड, नॉन ऑफ दिस। तो गेम खेलना गुड है, अच्छा है। फिर दिया है ए हाउस मेड ऑफ मड, बम्बू, स्ट्रॉ एंड वुड इज कॉल्ड इग्लू, कच्चा हाउस, टेंट। कच्चा हाउस होगा बेटा। नंबर टू ए हाउस ऑन व्हील्स इज कॉल्ड फ्लैट, कारवैन, हाउस बोट। तो कारवैन हो जाएगा, कारवैन। दीज आर टेम्प्रोरी हाउस मेड ऑफ क्लॉथ और कैनवास, टेंट। ठीक है। नंबर फोर है वी कैन फाइंड बोट्स इन, वी कैन फाइंड हाउस बोट इन, मतलब हाउस बोट्स कहाँ पाए जाते हैं? हरियाणा, कश्मीर, राजस्थान, कश्मीर में। नेक्स्ट आपका है रेनकोट्स आर मोस्टली मेड ऑफ, रबर से बना होता है रेनकोट। नंबर टू वी वियर दिस क्लोथ्स ड्यूरिंग समर, वूलन, सिल्क, कॉटन। कॉटन के कपड़े हम समर सीजन में पहनते हैं। नंबर थ्री है वी गेट सिल्क फ्रॉम, सिल्क वॉर्म से सिल्क मिलेगा। नंबर फोर है दीज क्लोथ्स आर वेरी लाइट एंड अट्रैक्टिव, तो आपका सिल्कन हो जाएगा। नंबर फाइव है इट इज़ द सिंथेटिक फाइबर नायलॉन। ठीक है। तो आप बेटा 1 से 5 SST में भी रिवाइज कर लीजिएगा।
और जितने भी ऑप्शनल क्वेश्चन हैं वो मैंने रिवीजन कराए हैं, आप भी इसको रिवाइज करते रहिएगा। आप लोगों को पता है कि आपके एग्ज़ाम में ऑप्शनल क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। तो आप दोनों साइंस एंड एसएसटी के दोनों में जितने भी ऑप्शनल क्वेश्चन हैं उन सभी को आप रिवाइज कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू।